नमस्कार एंड वेलकम, स्वागत है आप सबका। मैं हूं हमारी परम विरासत संस्कृति की झलक को समेटे आपके रंग 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 में आकर पड़े पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती अवसर पर बांग्लादेश का काफी मनमोहक प्रस्तुति पाकिस्तान की स्तुति पहने इस व्यंजन फुट दिल्ली में चल पाकिस्तान आयोजित एग्जिबिशन में शाहिद अहमद रईस की जीवन छुए के साथ जाएंगे और भी होगा कुछ। आइए शब्द का कार्यक्रम रंग रंग की सबसे पहले आप राष्ट्रीय पुरस्कार देता छह वर्ष के बाद वो वापस गए हैं वो बेहद खुश नहीं कहा कि वो बिल्कुल भी नर्वस नहीं, वो बस इंतजार की प्रतिक्रियाओं। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता और सदाबहार गायक कुंदन लाल सहगल की जयंती थी। मात्र 15 साल के छोटे करियर में सहगल ने परवा जहां मेरी बहन और चिन्ना समेत तमाम एक से बढ़कर एक फिल्मों में अपना काम किया और गीतों में अपनी सुरमई आवाज थी जिनमें बांग्ला तमिल और हिंदी के गाने शामिल हैं। प्राप्त सहगल की आवाज में इतनी कशिश आप आज भी महसूस करते हैं। एक बिखेरते हैं रंग कला और संस्कृति के गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती को बांग्लादेश भारत मिलकर मना रहा है। दोनों देशों की साहित्यिक विरासत की तरह इसी के तहत बांग्लादेश कलाकारों ने टैगोर प्रसिद्ध नाटक शापन का मंचन इसी के खिलाफ रविन्द्रनाथ टैगोर और नाटक गीत पर भी बिखेरते हैं रंग कला और संस्कृति के बीते सप्ताह दिल्ली के हिंद भवन है जिसके द्वारा दो देशों के बीच संबंधों को और मजबूत बनाया जा सकता है। एक उदाहरण आपने अभी देखा और एक आपको दिखाते हैं। भारत और जर्मनी ने अपने संबंधों को बढ़ावा देने के लिए कला और कलाकारों के माध्यम से इस दिशा में प्रयास शुरू किए हैं। इसी कड़ी में जर्मन कलाकार रिवेका हॉर्न